आगरा में एक बार फिर सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन होने जा रहा है। सांसद खेल स्पर्धा 19 जनवरी से शुरू होगी, जो 22 जनवरी तक एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में चलेगी। सांसद खेल स्पर्धा आयोजन की जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। इसके बाद इस स्पर्धा को सफल बनाने के लिए एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में ही विभिन्न खेलों के कुछ खिलाड़ियों के साथ बैठक संपन्न हुई। सांसद खेल स्पर्धा का इस बार मुख्य आकर्षण का केंद्र मैराथन दौड़ होगी। इस बार मैराथन दौड़ ग्रीनरी के लिए नहीं बल्कि G20 समिट के लिए होगी, इसीलिए इस मैराथन को रन फॉर G20 नाम दिया गया है। आखिरी गेम मैं देख रहा था, रात 1 बजे तक संपन्न होता था, क्योंकि एक अच्छा इंडोर स्टेडियम बैडमिंटन का हमारे पास हॉल है। इसका सर उद्घाटन इसका कौन? हाँ, ये तय कर लेंगे निश्चित तौर से, कोई ना कोई भारत सरकार के मंत्री या बड़े खिलाड़ी या कोशिश करेंगे कि जब G20 से रिलेटेड है तो टूरिस्ट मिनिस्टर, टूरिज्म एवं कल्चर मिनिस्टर अथवा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अथवा खेल मंत्री, उनको कोशिश करेंगे। और विभिन्न जो खेलों के जो पद्मश्री या अर्जुन अवार्डी लोग हैं उनको निमंत्रण देंगे कि किसी न किसी गेम का हाथ मिलाने का, परिचय कराने का काम उनके द्वारा हो। ये इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होगी। हमें अच्छा है कि हमारे पास एक स्टेडियम है जिससे काम आसान हो जाएंगे। मैं सभी विद्यालयों के प्राचार्य, उनके स्पोर्ट्स टीचर, खासतौर से प्रबंधक लोग, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपने विद्यालय के खिलाड़ियों को भेजें मार्च पास्ट में, अपने विद्यालय की जो यूनिफॉर्म है या ट्रैक सूट जो पहनते हैं बच्चे उसके साथ वो आएँ। कुछ जैसे होता है इसमें पुलिस की भी भागीदारी, आर्मी एयरफोर्स की भागीदारी रहे तो अच्छा रहेगा। और सभी विभागों से ये है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, क्योंकि 130 में इस बार फीफा फुटबॉल देख रहा था तो कई जब टीम ने भाग लिया तो उस देश को हम पहली बार जान पाए। इस नाम का कोई कंट्री भी विश्व में रहता है। आगरा से भी छोटे देश थे पॉपुलेशन में, लेकिन जब उनके खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो उसके गोल की वजह से या उसकी जीत की वजह से या उस अच्छे प्रदर्शन की वजह से वो देश विश्व पहली बार जाना। तो पहली बार हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया शब्द बोला है। और पूर्ववर्ती सरकारों में मैं देखता था कि पूरा कैबिनेट मंत्री भी स्पोर्ट्स का नहीं होता था, राज्य मंत्री से ही काम चला लिया जाता था। हेल्थ का और स्पोर्ट्स का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो एमओएस से ही काम चलाती नहीं। अब एक बहुत डायनेमिक हमारे पास खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, उनसे भी अनुरोध करेंगे किसी न किसी दिन वो भी शिरकत करें और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का काम करें।